सो ये है मेरा सूट जो मैं अभी पहनूंगी नहा के। ये है पर्पल कलर का और आज हम घुड़चिड़ी में जाएंगे। ओके तो मैं जाती हूँ नहाने क्योंकि अभी हमको जाना है घुड़चिड़ी में। सो तैयार भी होना है, टाइम भी लगेगा। सो हम आपको आगे और दिखाएंगे घुड़चिड़ी अच्छे से डांस ढोल पे डिजुम डिजुम डिजुम। ओके सो बने रहना। ओके बाय बाय टाटा। अब मैं नहा के आती हूँ, फिर मैं तैयार होकर आपको दिखाऊंगी। ओके वैसे तो मैं रेडी हो चुकी थी, जो मैंने आपको सूट दिखाया था मैंने वही पहना है। बट क्या कहते हैं, अभी शायद कुछ चेंजमेंट हो गया तो शायद मुझे साड़ी भी पहननी पड़ सकती है, जेठानी जी जो कह रही हैं। सो अभी जाते हैं और आगे आपको और बताते हैं, ठीक है। सो कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में, पर्पल कलर की साड़ी। पर्पल कलर का मैंने सूट पहना था बट वो कैंसिल हो चुकी है, तो मैंने अभी पर्पल कलर की साड़ी डाली है। अभी मैं आपको फुल घुड़चिड़ी का वीडियो दिखाऊंगी। ओके सो बने रहना मेरे साथ, राधिका मोहर के साथ, ठीक है। टाटा। तो फाइनली हम घुड़चिड़ी में जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं, वहां जाके आपसे बात करते हैं। फाइनली घुड़चिड़ी की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब हम मंदिर जाएंगे घुड़चिड़ी के लिए। सो मैं आपको किसी से मिलाती हूँ। मेरी ये है बहू, मतलब मेरी भतीजे की वाइफ मिलन। हेलो, अपना नाम बताओ। अनु। ये थोड़ा शर्मा गई है और थोड़ा सा माहौल ऐसा है, इस वजह से थोड़ा घुटघट वगैरह में है, इसलिए थोड़ा शर्माना पड़ता है। सामने गेस्ट वगैरह खड़े हैं। अभी दूल्हा आया नहीं है, बस उस गली में से दूल्हे की एंट्री होगी। तो अभी सब पार्ट में है, ये मेरी जेठानी है। यहाँ लोगों को बेसब्री से दूल्हे का इंतजार है। देखो सब अपने घर के आगे कैसे आगे खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे अंधेरे में भी भीड़ लगी हुई है, पर दूल्हा है कि भी आके दे ही नहीं रहा, काफी देर हो गई है। शायद आने वाला है दूल्हा भी। ये फाइनली बराती आ चुके हैं, धीरे धीरे सब आ रहे हैं। देखो मैं आपको एक गुलाबी फूल से मिला दूंगी, तो ये रही गुलाबों।
अपने मंदिर हमारे गांव का काफी बड़ा है। अभी मैं बाहर खड़ी हूँ और ये नाचने वाले वहीं रह गए। ये देखो सुंदर सुंदर बहुएं और ये इनकी सासू माँ, ये एक और पता नहीं मुझे। हाँ जी चलो आ गई। घंटी बज चुकी है मंदिर के सामने। मैंने काफी जूम कर रखा है, शायद दूर करो इसको नहीं तो पिक्सल पड़ जाएंगे मेरे वीडियो के। तो अब धीरे धीरे सबकी एंट्री हो रही है यहाँ पे। तो मेरा ब्लॉग जरूर देखना और बताना कैसा लगा। लाइक कमेंट करना मत भूलेगा। ओके, ये मेरी जिठानी बैठी है यहाँ पे। ये मेरी जिठानी है। हाँ वीर ए लड़के, हाँ। तू यहाँ क्या करने आया है? हाँ बताओ, खेलने आया? ये लड़का यहाँ खेलने आया है। भगवान याद कर लिया। एक मूर्ति यहाँ पे, ये भी नई बनी है, ये भी किसी बाबा की है। ऊपर उधर मैं अभी गई नहीं उस मंदिर में। ओके, मंदिर की वीडियो यहाँ पे करते हैं एंड। अभी अब हम आपको विदाई की वीडियो दिखाएंगे। आई मीन विदाई मतलब बारात की विदाई होगी लड़की की ससुराल की तरफ। ओके, गलत मत समझना, विदाई लड़की की होती है वैसे। हमारे यहाँ से लड़का विदा होएगा अपनी दुल्हन लेने की के लिए। ओके, सो अब हम माँ मिलते हैं आपसे, बाय बाय। जी तो आपने देख ही लिया है, फिलहाल में मैं बहू के गेटअप में घूम रही हूँ। कोई कहीं से दिख जाए तो मुझे ऐसे करना पड़ता है, समझ गए। सो अभी शुरू किया है मैंने ब्लॉग बनाना। सो आप बताना जरूर कैसा लगा आपको, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा बना सकती हूँ, काफ़ी बेटर बना सकती हूँ। बट यह है कि अभी मैं थोड़ा यहाँ शर्मा रही हूँ क्योंकि मेरा ससुराल है। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे जुहारी स्टार्ट हो चुकी है, जो करते हैं दूल्हे के जाने से पहले। सब अपने अपना आशीर्वाद देंगे दूल्हे को। सो उसको शायद जुहारी बोलते हैं। अभी दूल्हे राजा पैर छू रहे हैं। यहाँ पे पता है आपको कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है ऐसे टाइम पे। कोई कुछ बोलता है, कुछ कोई बोलता है। यहाँ पे जुहारी हो रही है। ये है दूल्हे की कार। ओके, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। सब लोग जा चुके हैं, अब हम भी अपने घर जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। अभी हमने अपने रास्ता नाप लिया घर का। ओके, अब घर जाके मिलते हैं। तो अब हम अपने घर आ चुके हैं, अब अपने कपड़े चेंज करते हैं, फिर मिलेंगे। ओके क्या अभी। सो फाइनली कपड़े हो चुके हैं चेंज, तो अब हम करते हैं यहाँ पे अपने व्लॉग की क्या एंडिंग। और क्या, कैसे देख रही हो? मैं अटक गई, ये सोच रही हो ना? नहीं, ये सस्पेंस था, ये ऐसे करते सस्पेंस बोलते हैं इसको, समझ गए। सो इसी के साथ आज हम करते हैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। सो आप देखना और बताना आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। सो लाइक कमेंट जरूर करना, क्योंकि शेयर करने की तो कोई जरूरत नहीं आई थिंक, क्योंकि ये तो पर्सनली अपने बारे की बातें होती हैं, अपने लाइफ की बातें होती हैं, मतलब जो मेरे साथ होता है और शादी ब्याह वगैरह, तो शेयर करने की जरूरत नहीं। बट लाइक कमेंट जरूर करना और बताना आपको कैसा लगा। मैं कैसे लगी? थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। देखो ये ना हमारे ना पुराने पुराने टाइप का, मतलब पुराने जमाने का घर है। देखो इसमें ना इतने पुराने जमाने की लकड़ी के गाटर डले हुए हैं, बस एक यही कमरा है और सब में तो सब पत्थर का है, सब उसका है,
बट ये एक कोठरी थी हमारे दादा की, तो इसलिए हमने इसको कुछ भी छिड़वाया नहीं है, ना इसको तुड़वाया, ये ऐसी कैसी है पुरानी यादगार। तो इसी के साथ अब हम एंड करते हैं, ठीक है, बाय बाय टाटा। अब हम खाना वाना बना लें। मैं ज़्यादा एक और बता देता हूँ, मैं ज़्यादा मेकअप शेकअप सजी धजी में इसलिए नहीं थी, घुड़चड़ी में मैं सिंपल रही थी इसलिए, क्योंकि हमें सिर्फ घुड़चड़ी तक जाना था, हमें बारात में नहीं जाना था। ओके, सो बारात जा चुकी है, हम अपने घर आ चुके हैं। टाटा एंड बाय बाय।